युवा कांग्रेस ने रोजगार की मांग को लेकर अभियान तेज कर दिया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हरीश रावत व जिला अध्यक्ष दर्शन कठायत ने ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान संचालित करने के उपरांत कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार के पास युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। केंद्र सरकार ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन हालत यह है कि हर साल 2 से 3 करोड़ युवाओं से रोजगार छीना जा रहा है। रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं। युवा कांग्रेस ने युवाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया है। पेश है सुष्मित थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट। 9 अगस्त से यूथ कांग्रेस के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था पूरे देश में, रोजगार दो मुहिम, और आज 28 अगस्त हो चुके हैं इस प्रोग्राम को। इसमें हमने पहले धरना प्रदर्शन, उसके बाद छोटे छोटे मतलब जैसे कि बागेश्वर ब्लॉक से हमने शुरुआत की थी कि मतलब जितने भी हमारे प्रवासी भाई यहाँ आए हैं मतलब गाँव में, तो हम उनकी मांग थी कि मतलब जो उनका 100 दिन में जो मनरेगा से जो उनका रोजगार मिल रहा था, तो उन 100 दिनों के रोजगार में से उनकी क्या है पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो हमने पहले वीडियो साहब के माध्यम से हमने एक ज्ञापन के माध्यम से उन्हें सूचित किया कि आप उन्हें 200 दिन का रोजगार दीजिए। उसके बाद हमने गाँव घर घर में जाके हर कस्बे में जाके हमने वॉल पेंटिंग स्टार्ट की। वॉल पेंटिंग के माध्यम से हमने सरकार को चेताया कि आप प्रवासियों को रोजगार दीजिए, उन्हें सस्ता लोन दीजिए और उन्हें कम से कम मनरेगा में 200 दिन का रोजगार दीजिए। देखिए, पूरे दुनिया में कोरोना का कहर है, इसमें हमारे देश अछूता नहीं है। भारत देश में कांग्रेस पार्टी ने रोजगार को लेके 9 अगस्त जो यूथ कांग्रेस का स्थापना दिवस है उस दिन से पूरे देश में एक मुहिम छेड़ी है जो रोजगार दो। 9 अगस्त से स्टार्ट हुआ था हमारी यह मुहिम, जिसमें हमने वॉलपेपर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू और स्लोगन के थ्रू इस मुहिम को आगे बढ़ाया था। और इसमें हमारे देश के जो नौजवान बेरोजगार युवक है उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की है, और हमारा मकसद था कि गांव-गांव और ब्लॉक-ब्लॉक स्तर पर इस प्रोग्राम को ले जाना, और जिसमें हम सफल हुए। और इस प्रोग्राम के तहत लगातार इस देश की सरकार ने जो मोदी जी ने वादा किया था 2014 में आने से पहले कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे इस देश के वासियों को, 2 करोड़ का मतलब 6 साल में 12 करोड़ रोजगार होता है, 12 करोड़ रोजगार देने के बजाय 14 करोड़ रोजगार छीन लिया इन्होंने। और प्रवासी जो लोग मजदूर हैं जिसको इनका नाम दे रहे हैं, वो हमारे भाई लोग दिल्ली बॉम्बे पूना पूरी इंडिया में वाइट कॉलर जॉब भी करते थे, जिनको मजबूरन ये लोग मनरेगा के तहत फावड़ा कुदाल उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसका रीज़न यही है, इनके पास कोई ठोस नीति नहीं है हमारे बेरोजगार भाई को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस मुहिम को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं और प्रवासियों के साथ जो लगातार ये अन्याय कर रहे हैं, ये लगातार अगर यहाँ जनता राशन मांगती है तो मोदी जी उनको भाषण देते हैं, रोजगार में जो बेरोजगार युवक है रोजगार लगातार मांग रहा है तो रोजगार के बदले में पकौड़ी बेचने के रोजगार दे रहे हैं, ठेले लगाने का रोजगार दे रहे हैं, आत्मनिर्भर के नाम पे आत्महत्या करने के लिए युवक को, नवयुवकों को मजबूर कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस पूरे देश में लगातार मुखर होके माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन कर रही है। अगला फेस हमारा 29 अगस्त यानी कल से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम धरातल में पूरी इंडिया में पूरे धरातल में हर गांव हर कस्बे में रोजगार दो आंदोलन को ले जाएंगे, जिसके तहत हम इनसे पूछेंगे अगर आप रोजगार नौजवानों को नहीं दे सकते हैं तो उसका वजह क्या है, नीति क्या है तुम्हारी, अगर नहीं दे सकते सरकार छोड़े, कांग्रेस के द्वारा बनाई गई नीतियों को भी ये लागू नहीं कर पा रहे हैं।